अगर आप भी कांकरेज गाय लेना चाहते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए यदि आप डेरे से कांकरेज गाय खरीदते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये गाय खुली विचरण करती हैं, खुली घूमती हैं जंगल में, तो इनको बंधने की कोई अभ्यास नहीं होता, बंधने की कोई प्रैक्टिस नहीं होती, ना इनको आदत होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कोई भी गाय को पसंद करें तो उसी उसका जो गवाला है उस गवाले को बोल दें कि इसको कम से कम 12 घंटे के लिए बांधना शुरू कर दें। वो उसको खूंटे पे बांध के ही दूध निकालेगा और डेरे के अंदर बांध के रखेगा। शुरू शुरू में 4-5 दिन रात को बांधेगा और दिन में वो चर के आएगी, फिर सुबह शाम वो चरने जाएगी, दिन में उसको बांध के रखेंगे, रात को भी बांध के रखेंगे, तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी बंधने की, आदत हो जाएगी, अभ्यास हो जाएगा। तो अब वो घर पे आपके घर पे जाएगी और वो सारा दिन बंधी रहेगी तो फिर उसको बहुत अजीब नहीं लगेगा और वो आपको परेशान नहीं करेगी, आपको मारेगी नहीं वो। वरना एक बार आप नया नया बिल्कुल लेके जाएंगे तो वो बहुत परेशान करेगी आपको और वो आपको हो सकता है कि चोट भी मार दे। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब दूसरी बात और बताता हूँ, दूसरी बात यह है कि आप खुद दूध निकाल के लेके जाएं। जो गायें आपको डेरे में दूध दे देगी वो आपको घर पे भी दे सकती है, और जो डेरे में ही आपको हाथ नहीं लगाने दे रही उसको कतई ना लेके जाएं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, डेरे में उसकी मालिश करें, उसकी सेवा करें, उसके पैर दबाएं, उसको खुजली करें, उसको सहलाएं। अगर वो डेरे में आपको स्पर्श करने की अनुमति देती है तो घर लेके जाएं, और डेरे में ही आपको उल्टा लटका देती है तो उसको कतई घर ना लेके जाएं। तीसरी बात, आप लागड़ गाय लेने की बजाय बाखड़ गाय लें। आप त्रुट की ब्याई हुई ना लें जो ग्याभण हो और ब्याने के उसके 3-4 महीने बाकी हो, वो गाय ले लें आप। बस किसी विश्वसनीय पात्र से ये पूछ लें कि ये गैयाँ दूध कितना देती थी और चारों थन उसके चेक कर लें। अगर वो ब्याने से पहले 4 महीने पहले, 3 महीने पहले 2 लीटर भी दूध देती है, 1 लीटर भी दूध देती है, बस उसके चारों थन चेक कर लें। चारों थन चलते हैं तो बहुत है। फिर वो जाते ही घर पे भले ही आपके दूध देना मना कर दे, वो दूध नहीं देगी, लेकिन जब वो अगली बार तक ब्याएगी तब तक आप उसके साथ घुल मिल जाओगे और फिर आपको अगले ब्यात में जब वो दूध देगी जो परेशान नहीं करेगी। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और सबसे आखिरी बात और विशेष बात, उसकी रिकॉर्ड ज़रूर देखें, उसकी माँ का रिकॉर्ड, उसके बाप का रिकॉर्ड, ये सब ज़रूर देखें, ये देखना भी ज़रूरी है। तो एक अच्छी नस्ल ही आपको आगे लेके जाएगी, और जो बहुत अच्छी नस्लें हैं उनके संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है। फिर दूध के भंडार भरेंगे और आपका भी कारोबार फैलेगा, व्यापार बढ़ेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक सुंदर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा, जय गौ माता।